हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर हम पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अभी? क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वांतर डी ज्ञात कीजिए। कोई हमें श्रेणी दी गई है, उसके अंदर हमें प्रथम पद ज्ञात करना है तथा उसके अंदर हमें सार्वांतर डी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो सभी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। सार्वांतर हम कैसे ज्ञात करें उसके लिए हम समझते हैं। सबसे पहले सार्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि डी से हमें इसको लिखते हैं, ज्ञात कैसे करें। कोई भी हमारे पास श्रेणी मान लो 2 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 6 है, 6 के बाद में क्या है 8 है, 8 के बाद में क्या है 10 है। तो हमें इसके अंदर सार्वांतर ज्ञात करना है। देखो 2 के बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद में क्या आ रहा है 6, 6 के बाद में क्या आ रहा है अभी 8 आ रहा है, 8 के बाद में क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो हमें सार्वांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या बढ़ रहे हैं, 2-2 बढ़ रहे हैं, 2-2 बढ़ रहे हैं। तो ज्ञात कैसे करें, ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से क्या घटाते हैं, पहला पद घटाते हैं, यानी कि आगे वाले पद में से क्या घटा दें, पीछे वाला पद घटा दें, तो हमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहां पर हमें ज्ञात करना है डी, तो ए कैसे करेंगे भी? ये क्या है, दूसरा पद ए टू है, क्या है ए टू, ए टू में से क्या घटा दे, ए वन घटा दे, यानी कि ए टू में से क्या घटा दे, ए वन, या क्या घटा दे भी ए थ्री में से क्या घटा दे, ए टू, यानी कि आगे वाले में से क्या घटा दे, पीछे वाला पद घटा दे, तो क्या आ जाएगा, सार्वांतर आ जाएगा। ये सभी सार्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 15। यहां पर हमें पता होना चाहिए प्रथम पद क्या है भी, तो सबसे पहले उसको क्या लिखेंगे, ए से प्रथम पद क्या है भी 6 है, और हमें सार्वांतर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, डी से लिखते हैं, दूसरे पद में से क्या घटाते हैं, पहला घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है भी ए टू और पहला पद क्या है ए वन। दूसरे में से दूसरा पद क्या है 9, 9 में से क्या घटाएंगे 6, कितना बचा भी 3 बचा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए का मान आ गया 6 और सार्वांतर क्या आ गया अभी 3 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर ए वन क्या है भी, ए वन है 7, या ए वन मान लो या ए मान लो, कितना है 7 है। डी कैसे ज्ञात करेंगे, ए टू में से क्या घटाएंगे ए वन, ए टू कितना 9 है, माइनस क्या है 9, और फिर क्या है माइनस आएगा, और ए वन कितना है भी, ए वन माइनस क्या है 7 है, माइनस क्या है 7 है, माइनस 9, और माइनस क्या आ गया भी प्लस 7। यहां पे कितना बचा, माइनस 9 में से प्लस 7 करेंगे तो कितना बचा भी, माइनस के कितने बचे 2, यानी कि यहां पर माइनस 2, माइनस 9 और प्लस 7, इसमें से घटाएंगे कितना बचा भी माइनस का 2। डी का मान कितना आ गया, यहां पे आ गया 2, माइनस के 2, ए का मान आ गया 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर प्रथम पद क्या है, जो सबसे पहले है वो क्या है, प्रथम पद है। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ए बराबर क्या है 3/2। प्रथम पद को लिखते हैं ए से, ए बराबर 3/2, और जो सार्वांतर होता है उसको लिखते हैं डी से, वो क्या होता है भी, दूसरे पद में से क्या घटाते हैं पहला पद, दूसरा पद क्या है 1/2, और ए वन क्या है 3/2, ए वन कितना है भी 3/2, इसमें से घटाएंगे इसका लघुत्तम कितना है भी 2 आया। यहां पर 2 को 2 से भाग दिया कितना बचा 1, यहां में 2 के 2 से भाग दिया कितना बचा 1, यहां पे बीच में क्या है माइनस का निशान है, तो कितना बचा 3, 1 में से माइनस 3 घटाएंगे तो कितना आएगा भी माइनस 2, और बटे में कितना है 2 है, 2 में 2 का भाग दिया कितना है अभी माइनस 1, यहां पर डी क्या आ गया माइनस 1, और ए क्या आ गया अभी 3/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले जो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है ए, ए है क्या इसके अंदर, एक है प्रथम पद है एक, और डी कैसे ज्ञात करेंगे भी, डी ज्ञात करेंगे दूसरे पद में से क्या घटाएंगे पहला पद, दूसरे में से पहला पद, यानी कि माइनस 2 में से क्या घटा दें एक घटा दें, तो कितना बचा भी माइनस 3। तो अगर हमें सूत्र के सहित लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए टू माइनस ए वन, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 3, यानी कि दूसरे में से क्या घटाना है
पहला घटाना है, माइनस दो में से क्या घटाना है अभी, एक कम करना है, तो माइनस दो में से माइनस दो है उसमें से एक कम और करते कितना हो जाएगा माइनस तीन। तो प्रथम पद आ गया a बराबर एक और सरल अंतर क्या आ गया b माइनस तीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच के अंदर प्रथम पद क्या है b, प्रथम पद है a बराबर क्या है माइनस एक। सरल अंतर ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, सरल अंतर ज्ञात करेंगे a2 में से क्या घटा दें a1, a2 क्या है b, a2 है एक बटे चार और a1 क्या है b, a1 है माइनस एक, यानी कि माइनस तो है ही है इसके अंदर और माइनस एक और है, तो एक बटे चार और माइनस क्या हो गया अभी प्लस, प्लस एक बटे चार, इसका लघुत्तम कितना आया अभी चार, लघुत्तम आया चार, चार में चार का भाग दिया कितना आया एक, एक को एक से गुणा के कितना आ गया अभी एक, इसके बटे में कुछ नहीं क्या मानते हैं एक मानते हैं, तो यहां पर बीच में प्लस चार में एक का भाग दिया कितना आया चार, तो चार को एक से गुणा करें कितना आया अभी चार, ये यानी कि चार लेके पांच, पांच बटे चार, इसका प्रथम पद माइनस एक और सारा अंतर कितना आ गया पांच बटे चार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर छह के अंदर प्रथम पद क्या है अभी ए है, ए को किससे लिखते हैं, प्रथम पद को लिखते हैं ए से, ए बराबर क्या है तीन है और हमें ज्ञात करना है सार अंतर, वो क्या होता है डी होता है, डी को क्या लिखते हैं ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है भी ए टू है एक और माइनस क्या करेंगे तीन, क्योंकि ए वन का मान क्या है तीन है, तो एक में से तीन घटाएं कितना बचा अभी माइनस का दो, प्रथम पद आ गया तीन और सार अंतर आ गया दो। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सात को भी हल करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात के अंदर क्या है अभी, प्रथम पद क्या है ए, ए का मान तीन है, ए का मान कितना आ रहा है अभी जो सबसे पहले वही क्या है ए है और डी कैसे ज्ञात करेंगे ए टू माइनस ए वन, ए टू का मतलब माइनस दो और यहां पर क्या है अभी माइनस है, ए वन कितना है तीन है, माइनस दो और माइनस है तीन कितना हो गया अभी माइनस का पांच, यानी क्वेश्चन नंबर सात के अंदर ए का मान तीन है और डी का मान क्या आ गया माइनस पांच। धन्यवाद।